तो ये जगह इतनी खूबसूरत लगी कि हम लोगों ने सोचा है कि इसको दिन में आके भी एक दफा देखेंगे, दिन का व्यू बिल्कुल अलग होता है। अस्सलाम वालेकुम, बिडनर व्लॉग में आप सबको आदाब अर्ज है। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और सुबह सहर करके हम लोग दोबारा सो गए थे क्योंकि आज पूरा दिन बहुत लंबा प्लान है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं दुबई गोल्ड चौक। रात में भी वहां पर गए थे लेकिन 10 बजे के बाद पहुंचे तो बाज़ार बंद हो चुका था। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोगों ने शारजा से दुबई गोल्ड चौक के लिए टैक्सी कर ली थी क्योंकि टाइम कम है और जगहें बहुत सारी देखनी हैं। आज सुबह ही सुबह हम लोगों ने मेट्रो का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मेट्रो का इस्तेमाल तो पूरे दिन भी कर सकते हैं, अभी हमें बचाना है टाइम। तो गोल्ड चौक देखने के बाद अबू धाबी शेख जायद मॉस्क जाएंगे। चले जी, फाइनली हम लोग सोक पहुँच गए। सोक अरबी वर्ड है और इसके मायने हैं बाजार या मार्केट। और जी अभी हम खड़े हैं स्पाइस सोक में। तो जी सामने ही नज़र आ रहा है गोल्ड सोक और ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग आए हैं। अच्छा, हमारे अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं जबकि सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का समय है जैसे दिन के 2-3 बज रहे हों। ओके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल्ड चौक दुबई में। चौक कहते हैं बाजार को और गोल्ड गोल्ड होता है। कुछ इतनी खूबसूरत है, इतनी नाइस है और नित नए डिज़ाइन हैं, देख के ना मज़ा आ रहा है। वाकई खाली विंडो शॉपिंग में ही मज़ा आ रहा है। सो देखिए और इन्जॉय कीजिए। हमारी तरह यहाँ आने वाले टूरिस्ट इसी शॉप में मौजूद अंगूठी को देखने आए हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। सो इस शॉप के अंदर आए हैं और ये बहुत बड़े साइज़ की रिंग रखी है जिसको कोई नहीं पहन सकता। तो जी हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे लेकिन जब बाज़ार पहुँचे तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया और बाज़ार भी हम लोगों ने ज़रा अच्छी तरह से ही देखा। और अब हम जा रहे हैं दो मेट्रो, एक रेड मेट्रो और ग्रीन मेट्रो पकड़ के हम लोग आगे जाएंगे इब्ने बतूता मॉल। अभी हम लोग मौजूद हैं अल रास ग्रीन लाइन स्टेशन पे और ये स्टेशन में हम लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं। ये भी बड़ा साफ़ सुथरा है। और इस स्टेशन की ख़ास बात यह है कि ये अंडर वाटर स्टेशन है, ऊपर एब्रा चलती हैं और डॉग क्रूज चलते हैं और अंडरग्राउंड ये ग्रीन लाइन है जो कि हमें रेड मेट्रो से कनेक्ट करेगी। सो अभी हम लोग रेड मेट्रो जा रहे हैं इस ग्रीन लाइन से। पहले अलगुबेबा आएगा अलराज से जी, फिर आएगा शरफ डी जी जी, फिर बर्जमान, फिर बर्जमान, बर्जमान से फिर हम से हमने 19 रेड मेट्रो, रेड मेट्रो पकड़ ली। ठीक है, रेड मेट्रो लेके फिर हम आगे मॉल ऑफ एमिरेट्स और एक्सपो 2020 तक जा सकते हैं। वहाँ से हम इब्ने बतूता मॉल जाएंगे। सो आगे जो भी कनेक्ट होगी लाइन वो ज़रूर आपको साथ शो करेंगे।
देखिए ये है अलरास मेट्रो स्टेशन, दुबई रेल नेटवर्क, और ये पूरा नेटवर्क यहाँ पर डिस्प्ले हुआ हुआ है। ऊपर ये देखिए अलरास, और ये यहाँ आने के दो ऑप्शन हैं, बाय लिफ्ट भी आ सकते हैं, बाय एस्केलेटर भी आ सकते हैं। सो ये अलरास स्टेशन, बस ट्रेन के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हैं। ये देखिए नेक्स्ट ट्रेन ग्रीक 3 मिनट्स। المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إلى الترام من محطة مترو شوب العقارية. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Ibn Battuta. और हम लोग बाहर आए थे तो हमें यहाँ पर ना टैक्सी वाले भी मिले। उन्होंने कहा कि जी आप शेयरिंग पे भी टैक्सी हायर कर सकते हैं, नहीं तो 200 दिरहम अबू धाबी तक जाने के हैं, और अगर शेयरिंग में अगर आप लोगों को टैक्सी करनी है तो उसके 50 दिरहम पर है। तो जी 2 बज रहे हैं और दुबई से अबू धाबी तक का तकरीबन 1 से 1.25 घंटे का डिस्टेंस है, और जी फाइनली ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग शेख जायद मॉस्क में ही हैं, और जब पहले काफ़ी तकरीबन 2018 में आए थे तो एंट्रेंस पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट अबाया फ्राहम किया जाता था। सो बेसमेंट में ना एक मॉल बना दिया गया है, फूड कोर्ट भी वहीं पर है। Thank you.
के अभी बस स्टॉप पे ये हमारी हो रही है अफ्तारी। अफ्तारी भी हमने अभी अंदर बस स्टेशन से ही ली थी और यहाँ पर जो टैक्सी वाले भाई हैं उन्होंने हमें खजूर दिए। हमने अंदर से स्टॉल से केला लिया, जूस लिया और केक ले लिया। खाना हम लोग ना दुबई पहुँच के ही खाएंगे। यहाँ आने के बाद शेख जायद मॉस्क पे विज़िट किया। यहाँ आने के बाद हमें फिर शेरन टैक्सी मिल गई है जो कि 55 दिरहम दे रही है बैक टू दुबई। आप कितने अरसे से हैं यहाँ पर? मुझे सर 2 साल हो गए। 2 साल, अच्छा। आप भी पेशावर से? नहीं, मैं मुल्तान, सुना है आपने? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मुल्तान के नज़दीक ही बस। अच्छा अच्छा, ये भी मुल्तान से ही है। मैं मुल्तान के साथ ही मुजफ्फरगढ़, मैं मेरा समझ मुजफ्फरगढ़ से जी। जितना मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ है ना जी जी, इतना ही तकरीबन साथ में। वो आपको गड़ा मोड़ सुना ही होगा आपने? जी गड़ा मोड़। गड़ा मोड़ तो बेसिकली हम गड़ा मोड़ गए। अच्छा, अभी हम बुरवाला में रहते हैं, शिफ्ट हुए बुरवाला। अच्छा अच्छा, तो यहाँ मुतमईन है यहाँ पर? लेकिन इधर आए हैं तो इधर थोड़ा सा बेहतर है, बस उससे बेहतर है। अच्छी बात है, शुक्र है। टैक्सी में टैक्सी वाले भाई से नुसरत की बहुत अच्छी बातचीत हो गई थी और अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो लेके मरीना वॉक, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है जो कि वहां जाके स्पेंड करते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत लगी कि हम लोगों ने सोचा है कि इसको दिन में आके भी एक दफ़ा देखेंगे। दिन का व्यू बिल्कुल अलग होता है। सो अभी चलते हैं कुछ और जगह पर जाके देखते हैं। लेट्स गो। और सामने ये जो ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये ट्विस्टेड टावर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सो ये है आरियाना टावर। रात के 11 बज रहे हैं और मरीना वॉक से हम लोगों ने मेट्रो ली और यूनियन मेट्रो तक आए हैं। यहाँ से हमें मिल गई है बस जो कि हमें पहुँचाएगी शारजा। अब शारजा जाके ही हम लोग खाना खाते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है क्योंकि अफ्तार किए हुए बहुत टाइम हो चुका है और मुस्तकिल वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं पैदल। शारजा में एक रेस्टोरेंट, अरबी रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है अरबी कुजीन। सो उसका व्लॉग आपको अपकमिंग वीडियो में देखने को मिलेगा। मेरे पीछे रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, यहाँ से खाना खा लिया, बहुत मज़े का खाना था और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें अरबी कहवा भी पिलाया। सो वहाँ बातों में इतना लगे हुए थे तो मैंने वो कहवे की वीडियो नहीं बनाई। ओवरऑल अरबी कुजीन हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। रमज़ान की वजह से इस मार्ट को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और यहाँ पर हम आए हैं थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है। सो शारजा में बल्कि पूरे यूएई में ना जब रमज़ान आते हैं तो इस तरह के लबन आ जाते हैं मार्केट में और ये लबन स्वीट लबन है। तो ये कितने की है? ये है 11.99 की 12 पीस होती है। खैर वो बहुत कम क्वांटिटी होती है, बहुत ही छोटा साइज है, देख लीजिए, लेकिन होता बड़े मज़े का है। सेम जस्ट लाइक अ लस्सी। नेस्टो में शॉपिंग कर रही हूँ और ये देखिए क्या शॉपिंग की है, और ये रमज़ान की शॉपिंग है। और जी ये देखिए अभी बस ये वाला आइटम हुआ है। चलो ये मैं दिखा तो दूँ आपको क्या क्या लिया है इसमें। मैंने बिस्किट लिए हैं, बट
बच्चियों के लिए पराठे हैं और बिस्कुट है, जैम है, मिल्क है, कुमेल मिल्क जो हमारे यहाँ होता है, और एक सोप भी दिया है जी। और ये दिखा रही थी कि हमारे पास इस तरह के वाइट कलर में आते हैं, जबकि मैं यहाँ दुबई में देखती हूँ ये रेड कलर भी है, येलो कलर भी है और एक ब्लू कलर भी है। वाओ, अमेजिंग।